हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। लाखों बच्चों को इंतज़ार था कि गुरुजी हमारे स्कूल कब से ओपन होंगे, कब से हम स्कूल जा सकेंगे। तो फाइनली बच्चों, बोर्ड ने अपना वार्षिक कैलेंडर का अनाउंसमेंट कर दिया है और उस कैलेंडर के अंदर आपको काफ़ी बातें बताई गई है कि आपके स्कूल कब ओपन होंगे, आपके एग्ज़ाम अर्धवार्षिक और वार्षिक कब होंगे, कितने दिन आपको स्कूल जाना होगा, सारी चीज़ें इस कैलेंडर में दी हुई है। तो हम इस वीडियो में सभी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और यदि आप चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है राज्य में 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल, शिक्षकों को 26 जून से जाना होगा। मतलब ये है कि बच्चों की आपको तो स्कूल 1 जुलाई से जाना है, लेकिन टीचरों को स्कूल में 26 जून से आना है। तो आपके जो टीचर है स्कूल के, वो 26 जून से मतलब मंडे से आपके स्कूल में आना स्टार्ट कर देंगे। आगे देखिए लिखा हुआ है, शिवरा पंचांग जारी, नए शिक्षा सत्र में 240 दिन लगेंगे बच्चों के स्कूल। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है बच्चों, सिर्फ आपको 365 दिनों में सिर्फ स्कूल में 240 दिन ही जाना है। अब देखते हैं आगे क्या बताया इन्होंने। आगे लिखा हुआ है, राज्य के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल 26 जून से शुरू हो जाएंगे, लेकिन बच्चों की रेगुलर क्लासें 1 जुलाई से शुरू होगी। नए शिक्षा सत्र 2023-24 में 240 दिन स्कूल लगेंगे, 126 दिन की छुट्टियां रहेगी। अब बच्चों, 126 दिन की छुट्टियां कैसे कैसे रहने वाली है वो भी इन्होंने बता दिया है। इन्होंने कहा है कि 53 रविवार और 73 त्योहारों की छुट्टियां शामिल है। अनेक त्यौहार रविवार होने के कारण उस दिन रविवार और त्यौहार का अवकाश एक साथ ही रहेगा। होता है ना बच्चों, कई बार बहुत सारे त्यौहार होते हैं, उनकी छुट्टियां रहती है, लेकिन उस दिन संडे हो जाता है, तो वो छुट्टियां एक साथ ही काउंट की जाएगी। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को नए शिक्षा सत्र का शिवरा कैलेंडर घोषित कर दिया है। आगे देखिए बच्चों क्या बोला है इन्होंने। आगे कहा इन्होंने, अगले 12 माह तक इसी कैलेंडर के मुताबिक स्कूलों का संचालन होगा। शिक्षा सत्र 2023-24 में सामान्य प्रवेश की प्रक्रिया 26 जून से शुरू होगी। मतलब आप स्कूल में एडमिशन 26 जून से ले सकते हो। प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई एवं परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिन बाद तक रहेगी। ठीक है जी। आगे कहा है, नए विद्यार्थियों की काउंसलिंग का कार्यक्रम 26 से 30 जून तक रहेगा। आगे सुनिए क्या कहा है और इन्होंने आगे बोला है, 7 से 19 नवंबर 2023 तक मध्य अवधि अवकाश रहेगा। मतलब कि आपका जो अवकाश रहेगा 7 से लेकर 19 नवंबर का। आगे देखिए, जो शीतकालीन जो आपका अवकाश है वो 25 दिसंबर से 5 जनवरी 2023 तक रहेगा। स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 17 मई से 23 जून 2024 तक रहेगी। आगामी सत्र में नया शिक्षा सत्र 1 मई 2024 को शुरू होगा। जो अगला सत्र है वो 1 मई 2024 को शुरू हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों और क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है। नए सत्र का एग्जाम शेड्यूल क्या है वो और देख लीजिए। जो आपके फर्स्ट टेस्ट है बच्चों, वो 23 से 25 अगस्त के बीच में होंगे। सेकंड जो टेस्ट है वो 19 से 21 अक्टूबर के बीच में हो जाएंगे। जो आपके थर्ड टेस्ट है वो 20 से 22 फरवरी के बीच में होंगे। जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है वो 11 से 31 दिसंबर तक हो जाएगी। और जो फाइनल एग्जाम है आपके, वो 8 से 25 अप्रैल में हो जाएंगे। जो आपका रिजल्ट है बच्चों, वो 30 अप्रैल को आ जाएगा। ये नॉन बोर्ड क्लासों का शेड्यूल है। बोर्ड एग्जाम का जो शेड्यूल है बच्चों, वो थोड़ा चेंज हो जाता है, इसीलिए उसकी बात यहाँ की नहीं गई है। कभी आप ये सोचो सर बोर्ड का तो यहाँ कोई शेड्यूल है ही नहीं। आगे देखिए, खेल कूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम तहसील स्तरीय राज्य स्तरीय है ना, ये सारी चीज़ें दी हुई है बच्चों, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हो। आगे देखिए हम बात करते हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन पर हमारा ज़्यादा फोकस रहने वाला है। टाइमिंग की बात कर लेते हैं कि स्कूल का टाइमिंग कब से कब तक होने वाला है। देखिए, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक आपका जो स्कूल का टाइम है बच्चों, 7:30 बजे से 1 बजे का रहेगा।
ठीक है। और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 10 बजे से 4 बजे तक आपका स्कूल समय रहने वाला है। अब कह रहा है कि दूसरी जो पारी है, दो पारियां होती है बच्चों स्कूलों में, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक स्कूल लगेंगे। स्कूल बच्चों कब से कब तक लगने वाले हैं वो दिखाया हुआ है ना, 7 बजे से 6 बजे तक लगेंगे। प्रत्येक पारी 5.5 घंटे की होगी। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 7:30 से 5:30 बजे तक स्कूल लगेंगे। ये आपकी बच्चों दूसरी पारी का लेखा जोखा है। और बच्चों एडमिशन जो अंतिम तिथि है वो आपकी 15 जुलाई होगी, तो आप 15 जुलाई से पहले पहले अपना एडमिशन ले लीजिए। तो बच्चों ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।